बीएसईबी द्वारा मैट्रिक कंपार्टमेंटल सर्विसेज परीक्षा 2023 कल से यानी कि 10 मई से शुरू हो रहा है, 13 मई तक चलेगा। वहीं इस एग्जाम के लिए राज्य के 149 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस परीक्षा में कुल 72,286 परीक्षार्थी जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। इनमें से 43,708 छात्राएं हैं और वहीं 28,578 छात्र हैं। इस वर्ष 4,005 परीक्षार्थी विशेष परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं और ये परीक्षा सभी विषयों की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। बता दें आपको कि 67,281 परीक्षार्थी कंपार्टमेंटल श्रेणी के रूप में भाग लेंगे। इस एग्जाम के लिए पटना जिला में कुल 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 3,039 परीक्षार्थी हैं और 1,795 छात्राएं हैं, जिसमें की 1,244 छात्र शामिल हैं। परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र में प्रवेश का समय जो है वो भी निर्धारित किया गया है। परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले परीक्षा भवन में एंट्री लेना होगा। देर से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें कि फर्स्ट सिटिंग के जो एग्जाम होंगे वह सुबह 9:30 बजे से शुरू होगी। परीक्षार्थियों के लिए निर्देश है कि वह परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले यानी कि 9 बजे तक परीक्षा केंद्र पर पहुँच जाए, जिसके बाद अगर आप लेट से आते हैं तो लेट से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन में एंट्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं दूसरी सिटिंग की बात करें तो दूसरी सिटिंग की परीक्षा जो है वो 2 बजे से शुरू होगी। परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, स्मार्ट घड़ी और मैग्नेटिक घड़ी पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, यानी कि वो ये चीजें नहीं उपयोग कर सकते हैं। वहीं परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर कोई परीक्षार्थी ये सामान लेकर पहुंचते हैं तो। वहीं बता दें कि परीक्षार्थी मात्र सुई वाली जो घड़ी है वही पहनकर परीक्षा भवन में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं बिहार बोर्ड द्वारा परीक्षा के सफल संचालन के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो कि 10 मई से लेकर 13 मई तक सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कार्यरत रहेगा। परीक्षा संचालन के क्रम में किसी भी प्रकार की अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उस दिक्कत होने के बाद समिति के कंट्रोल रूम के नंबर 0612223222 और 0612223227 पर सूचित कर उसका समाधान प्राप्त किया जा सकता है।